हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा, टेक्नोसम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास है ये बॉक्स। इसके अंदर है कैनन पिग्मा G3020 इंक टैंक प्रिंटर। आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, इसे यूज़ करके देखेंगे और देखेंगे कि ये प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर से बेहतर क्यों है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं इसे ओपन। ये है कैनन पिग्मा G3020 इंक टैंक प्रिंटर। यहाँ पर कैनन की ब्रांडिंग दी गई है, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है और ये प्रिंटर इंक एफिशिएंट प्रिंटर है। और अगर इस प्रिंटर की स्पीड की बात की जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट अगर आप निकालते हो तो 9 पेजेस पर मिनट और अगर आप कलर प्रिंट निकालते हो तो 5 पेजेस पर मिनट इसकी स्पीड मिल जाती है। मोबाइल डिवाइस प्रिंटिंग का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। आप अपने मोबाइल फोन से भी इससे प्रिंट निकाल सकते हो। और बॉक्स के साइड इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। इसकी MRP है 17,102 रुपीज, लेकिन इस समय आपको ये Amazon और Flipkart पर मिल जाएगा लगभग 15,000 रुपीज में। कैनन का ये वायरलेस प्रिंटर ऑल इन वन प्रिंटर है। इससे आप स्कैन कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, फोटोकॉपी भी कर सकते हो। सबसे पहले इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसकी ड्राइवर CD भी इसके साथ दी गई है। और अगर आप चाहते हो ऑनलाइन सेटअप करना तो वो भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इस यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पर जो QR कोड दिया गया है इसे स्कैन करके आप मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा पूरा डिटेल में इसके अंदर दिखाया गया है कैसे इसे आपको कार्टेज वगैरह को इंस्टॉल करना है, कैसे आपको इंक फिल करना है, सारा कुछ बहुत ही डिटेल में इसमें दिखाया गया है। और ये है इसकी पावर केबल। पावर केबल की क्वालिटी भी मुझे काफी बढ़िया लग रही है। इसके अलावा इसके साथ हमें एक USB केबल दी गई है और इसके साथ दो प्रिंट हेड दिए गए हैं। पहला है ब्लैक प्रिंट हेड और दूसरा है कलर प्रिंट हेड। और इसके साथ ये चार इंक बॉटल्स भी दी गई हैं। इस इंक को हमें फिल करना होगा इंक टैंक में। ये है कैनन पिग्मा G3020 इंक टैंक प्रिंटर। पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, 2-लाइन LCD डिस्प्ले दिया गया है। ये बैक का बटन है, ये प्रीवियस का बटन है, ये नेक्स्ट का बटन है, ये ओके का बटन है। इसके अलावा ये कॉपी का बटन है, ये स्कैन का बटन है और यहाँ पर ये सेटिंग का बटन दिया गया है। इसके अलावा ये है इसका मेनू का बटन, यहाँ पर एक स्टॉप का बटन दिया गया है और ये दिया गया है स्टार्ट का बटन। कलर प्रिंट अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिया गया है और ये ब्लैक का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर इसके फ्रंट साइड में इसके इंक टैंक दिए गए हैं। आप देख सकते हो ये ब्लैक इंक के लिए है और ये 3 कलर इंक के लिए है। ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं। इनके अंदर जब आप इंक फिल कर दोगे तो आप बाहर से ही देख सकते हो कि कितनी इंक इसके अंदर बची हुई है। तो अब हम इसका सेटअप करके देखेंगे। सबसे पहले इसके जो प्रिंट हेड आए हैं इन्हें हमें इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले यहां पर जो टेप वगैरह लगी हुई है इन टेप्स को हमें हटाना होगा। ये सारी टेप्स मैं हटा देता हूं। जो भी यहाँ टेप्स वगैरह लगी हुई हैं ये सारी की सारी टेप्स हमें हटा देनी है। तो इसके प्रिंट हेड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इसे ऐसे ओपन कर लेना है। इस तरह से आप इसे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसके 3 कलर इंक टैंक हैं और इसके अलावा इस साइड ब्लैक इंक टैंक यहाँ पर दिया गया है। और ये है इसका हेड। यहाँ पर हमें जो प्रिंट हेड इसके साथ आए हैं वो हमें यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं। प्रिंट हेड को कैसे इंस्टॉल करना है सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हो कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमें यहां पर जो टेप लगे हुए हैं ये टेप हमें हटा देने हैं, रिमूव कर देने हैं। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है, इसका कोई यूज नहीं है, ये हमें डस्टबिन में फेंक देना है। तो इसके साथ ये जो प्रिंट हेड आए हैं ये प्रिंट हेड हमें यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं। प्रिंट हेड को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो एक ब्लू कलर का ये एरो टाइप का आ रहा है, इसको आपको ऊपर की तरफ पुश करना है। जैसे आप ऊपर की तरफ पुश करोगे इस तरह से तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो C और ये है B, यानी जो कलर प्रिंट हेड है वो हमें यहाँ पर लगाना है और ब्लैक प्रिंट हेड हमें यहाँ पर लगाना है। इसको मैं निकालता हूँ बाहर, इसको यहाँ से ओपन करना है ऐसे। तो ये हमारा प्रिंट हेड बाहर आ चुका है, ये कलर प्रिंट हेड है और इसे भी हमें हटा देना है। ये आप देख रहे हो पुल, तो इसे भी आपको हटा देना है। ये जो स्टिकर है इसे भी आपको हटा देना है, ये हमने हटा दिया। यहाँ पर हमें इस तरह से यहाँ पर लगाना है इसे, यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर रख दिया। इसी तरह से हमें इसका ब्लैक वाला ले लेना है, ये हिस्सा पीछे की तरफ रहेगा इस तरह से। ये बेसिकली इस तरह से आपको लगाना है, ये पीछे की तरफ रहेगा और ये नीचे की तरफ रहेगा।
तो यहाँ पर सिंपल हमें यहाँ पर इसे रख देना है एक तरह से, आप इस तरह से इसे रख दीजिए, बस ये हमारा लग गया। और उसके बाद वापस आपको इसे नीचे की तरफ ये क्लिक की आवाज आएगी, जैसे ही यहाँ पर क्लिक की आवाज आई ये हमारा यहाँ पर लॉक हो गया। उसके बाद इसे आपको इन दोनों को नीचे की तरफ पुश कर देना, प्रेस करेंगे तो टिक की आवाज आएगी। तो हमने इसके दोनों प्रिंट हेड को इंस्टॉल कर दिया है और अब हम इंक टैंक के अंदर इंक भरेंगे। तो सबसे पहले ब्लैक इंक टैंक में हम इंक फिल करते हैं। तो यहाँ पर इसे इस तरह से उठा के आपको ओपन कर लेना है, ये हमारा ओपन हो गया। और उसके बाद आपको ये ब्लैक इंक वाली बॉटल ले लेनी है, इसको आपको घुमा के खोल लेना है, ये बॉटल आपको ओपन कर लेनी है। तो इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ ग्रूव्स टाइप के दिए गए हैं, खांचे टाइप के दिए गए हैं और यहाँ पर भी खांचे दिए गए हैं। तो इन्हें हमें मैच करके बॉटल को पलट के इसके ऊपर देना है। ये हमने यहाँ पर मैच किया, इस तरह से आपको पलट के रख देना है। ये जो इंक टैंक है यहाँ पर हमारी इंक फिल हो रही है, जो बॉटल की सारी इंक है वो यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगी। बहुत ही जल्दी ये इंक फिल हो गई है, पूरी बॉटल हमारी खाली हो गई है और इंक हमारी इस इंक टैंक में आ चुकी है। अब आपको इस बॉटल को हटा देना है, इस बॉटल को हटा के बस आपको इसे फेंक देना है, ये हमारे काम की नहीं है। और उसके बाद इसके कैप को वापस से हमें इसी तरह से लगा देना है, प्रेस कर देना है। उसके बाद ये है इसके कलर इंक टैंक, इसके अंदर भी हम इंक को फिल कर देते हैं। ये भी हमारी फिल हो चुकी है, आप देख रहे हो पूरी बॉटल हो गई खाली। तो अब हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, प्रिंट हेड हमने लगा दिए हैं और इंक टैंक के अंदर इंक भी फिल कर दी है और ये हो जाएगा बंद इस तरह से। तो ये है इसकी आउटपुट ट्रे और बैक साइड में यहाँ से हमें पेपर लोड करना होगा। तो यहाँ पर पेपर लोड करने के लिए आपको सिंपल इसे ऊपर की तरफ इस तरह से उठाना है और यहाँ से इसे एक्सटेंड कर लेना है। इसकी एक्सटेंड हो गया और जो भी पेपर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो अब इसके अंदर मैं पहले पेपर लगा देता हूँ, यहाँ पर हमें पेपर लगा देना है। मैं इसे मोबाइल फोन से कनेक्ट करूंगा, वायरलेसली कनेक्ट करके देखने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन पर कैनन प्रिंट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे, ओपन पर क्लिक कर देते हैं। तो प्रिंटर को ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्ले पर इसकी सेटिंग आ रही है, लैंग्वेज सिलेक्शन आ रहा है, इसे हम इंग्लिश रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। पूछ रहा है कि क्या आपने टैंक फिल कर दिए हैं, तो हम कर देते हैं यस। तो अब यहाँ पर डिस्प्ले पर आ रहा है इनिशियलाइजिंग इंक सिस्टम अबाउट 5 मिनट रिमेनिंग, तो ये 5 मिनट लेगा, 5 मिनट लगेंगे आपको। ये हो रहा है इनिशियलाइज, जब ये इनिशियलाइज हो जाएगा उसके बाद आपका प्रिंटर तैयार हो जाएगा काम करने के लिए। और ये है सेटिंग मोड, ये हमारा सेटअप मोड आ गया। सेटअप मोड में आप यहाँ देख सकते हो वाईफाई सेटअप, यहाँ पर हमारा वाईफाई सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। वाईफाई सेटअप पर आपको क्लिक करना है, हमारा जो वाईफाई है वाईफाई से मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ, तो इसे ओके करता हूँ। उसके बाद आ रहा है प्लीज वेट, अभी हमारा आ गया इजी WL कनेक्ट, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन पर ऐप में जाना है और यहाँ पर प्रिंटर को सर्च करना है। हम यहाँ पर अपना प्रिंटर सर्च कर लेते हैं, देखते हैं ये आता है सर्च में, नहीं आ रहा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आ गया सेटअप वाईफाई फॉर द फॉलोइंग प्रिंटर, ये आ रहा है कैनन जी, ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो मोबाइल से हमारा कनेक्ट हो गया है। तो अब मैं इसे मोबाइल फोन से कमांड दूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पर फोटो पेपर लगा देता हूँ, मेरे पास फोटो पेपर है, इसे मैं लगा देता हूँ। उसके बाद मोबाइल में मेरी जो इमेज है उसका प्रिंट लेके देखेंगे ये वायरलेसली प्रिंट कैसा आ रहा है। मैंने यहाँ पर ग्लॉसी पेपर लगा दिया है, तो यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से हमें ग्लॉसी पेपर सिलेक्ट कर लेना है, A4 साइज सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने पेपर का साइज क्या रखना चाहते हैं, हम कितनी कॉपी करना चाहते हैं, वो सारा कुछ हम इस ऐप से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ आप देख सकते हो, सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया पेपर साइज A4, ये सारा कुछ आ गया। उसके बाद यस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद सिंपल प्रिंट पर क्लिक करेंगे और ये फोटो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारा प्रिंट यहाँ पर आ चुका है, तो काफी बढ़िया यहाँ पर प्रिंट क्वालिटी काफी बढ़िया है। और दोस्तों कैनन का ये इंक टैंक प्रिंटर मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, इससे पहले मैं इंक जेट प्रिंटर का इस्तेमाल करता था। इंक जेट प्रिंटर के साथ बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे कि उसकी कार्टेज बहुत ज्यादा महंगी होती है। और अगर कैनन के इस इंक टैंक प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर जो प्रिंट कॉस्ट है वो काफी कम है। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ले रहे हो तो आप 9 पेज पर मिनट की स्पीड यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप कलर पेज निकाल रहे हो, कलर प्रिंट निकाल रहे हो, तो आपको 5 पेज पर मिनट की स्पीड यहां पर मिल जाती है। और एक कमाल का प्रिंटर है, अगर आप भी इस प्रिंटर को परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।